लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्पेशल एपिसोड देखकर फैंस और दर्शकों का चेहरा खिल उठा। जी हाँ, शो के इस खास एपिसोड में मशहूर संगीतकार संतोष आनंद जी भी प्यारेलाल जी के साथ एक मेहमान के तौर पर शामिल हुए। किसी जमाने में हर डायरेक्टर की पहली पसंद बनने वाले संतोष आनंद जी आज फाका पस्ती को मजबूर हैं। जी हाँ, शो के मंच पर संतोष आनंद जी व्हील चेयर पर थे, लेकिन जब कंटेस्टेंट ने उनके लिखे गानों को गाया तो उनका भी चेहरा खिल उठा। संतोष जी ने शो में बताया कि सालों बाद बाहर निकला हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिन भी क्या दिन थे, इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया, राम जी की कृपा थी, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया जब सब कुछ चला गया। पता नहीं क्या हुआ कि राम जी के कपाट बंद कैसे हो गए। दोस्तों, संतोष आनंद जी की आवाज में छिपा दर्द शो में मौजूद हर शख्स की आंखों में दिख रहा था। जी हाँ, शो के जजेज के साथ साथ होस्ट आदित्य नारायण भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सके। वहीं सिंगर नेहा कक्कड़ ने तो मदद के तौर पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि आप ये समझिए कि ये आपकी पोती की तरफ से है। संतोष जी ने आगे कहा कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ, आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, अभी भी मेहनत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सिंगर नेहा कक्कड़ ने स्टेज पर आकर संतोष जी के सिर पर हाथ फेरते हुए उनका गाना एक प्यार का नगमा है भी गाया। नेहा रोते हुए गा रही थी और शो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। दोस्तों, आपको बता दें कि संतोष आनंद जी ने मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ मिलकर कई मशहूर गाने दिए और कई अवार्ड भी जीते, लेकिन खुद संतोष जी ने इस बात का जिक्र किया था कि वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और काफी परेशान हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में बीते जमाने के मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी का मशहूर गाना एक प्यार का नगमा है बॉलीवुड ही नहीं जिंदगी की हकीकत है। शो के मंच पर संतोष आनंद जी के दर्द भरे अल्फाज सुनकर हर कोई रो पड़ा। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी की दर्द भरी कहानी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपने भी उनके गानों से प्यार करना सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि उनका कौन सा गाना आज भी आपका फेवरेट है। जी हाँ।